लव ट्रेनिंग मैं तो भूल ही गया हूँ क्या क्या इस फिल्म में हुआ था, क्योंकि कुछ दिन बीत गए हैं इसकी शूटिंग खत्म किए हुए, लेकिन इतना जरूर है कि स्क्रीन पे मुझे रोमांस करने का मौका मिला। काफी फिल्मों में तो जबरदस्ती करता हूँ, लेकिन इस फिल्म में रोमांस करने का मौका मिला और मेरा एक नहीं दो दो गेटअप है, दो दो लुक है, बड़ा आनंददायक रोल है मेरा और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इंजॉय करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। इसका म्यूजिक भी बहुत सुंदर है जिसके लिए हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत सुंदर म्यूजिक है, आप लोग सुनिएगा। और मेरा ख्याल है जब फिल्म 21 तारीख को रिलीज होगी तो लोग पसंद करेंगे, यही शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और हमारे प्रोड्यूसर सुभाष जी और शैला जी, हेमंत कुमार हमारे डायरेक्टर, और हमारे तमाम स्टार कास्ट, हमारे DOP, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ लोग एब्सेंट भी हैं, बड़ा अजीब लग रहा है, मेरे फिल्में बहुत मिल गई हैं लोगों को लगता है, सब बिजी हो गए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। मस्की हेलो, मतलब शायद वो मूवी में और गाने में आप देखोगे तो शायद पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे बेसिकली वो साउथ इंडियन लुक दिया है, ऐसा डायलॉग हो जो भी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं इस हुलिये में आया ताकि मेरा इमेज ब्रेक हो सके। सो इट वाज फन, और इसमें इतने सारी हीरोइंस है हमारे फिल्म में भर भर के, और सर लोग, और हम लोग ने एक महीना गोवा में, इट वाज लाइक अ पार्टी, तो मतलब मूवी का एक प्रोसेस अलग था और हम लोग ने अलग सा जो मजा किया, और सर और राजपाल यादव, राज जी, शक्ति कपूर, तो बहुत सारे आर्टिस्ट है, तो इनके बहुत ही अच्छा फन फिल्ड टाइम था वहाँ। सो इट्स फन, और पहली बार मुझे नाचने का मौका मिला, आप लोग गाना देखोगे अन्ना लव, तो वो भी एक मौका मिल गया मुझे नाचने का, तो देखिएगा। एंड इट वॉज फन एंड इट्स अ सुपर्ब स्टार कास्ट, और जैसे सर ने कहा कुछ लोग मिसिंग है, तो हम लोग ही जितना कुछ हो सके बोलेंगे। मैडम आप कुछ कहिए। इनके जैसा मैं भी भूल गई हूँ मैंने क्या किया है फिल्म में। सिर्फ इतना मुझे मालूम है मैं हीरो की माँ हूँ, बस इसके सिवा सब भूल गई मैं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोग आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, I think the most important training of all, love training. That's what a movie is all about. Amazing star cast, amazing producers, amazing everything. Thank you. अलग कॉन्सेप्ट है कि एक लड़का लव ट्रेनिंग स्कूल खोल देता है और
उसमें मेरे जैसे बुढ़े भी आ जाते हैं। अब बाद में जब मेरा गेटअप चेंज होता है तो पता चला कि वो जवान भी हो गया, वो बाल बाल काले कर लिया, वो शर्ट पैंट पहनने लग गया जो जैकेट बुढ़ा था, कैप पहनता था, ऐसे ऐसे। सो इस तरह से एक साधु है उसको भी प्यार हो जाता है एक लड़की से, एक भिखारी है जिसमें इंस्पेक्टर से प्यार हो जाता है। तो इस तरह की एक कहानी पिरोया गया है जो बहुत ही सुंदर ढंग से है, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक नई चीज़ होगी, एक नया कॉमेडी कुछ होगा। मुझे नहीं लगता कि बफून होगा ये बाकी अधिकांश कॉमेडी फिल्मों की तरह। उसमें तो कॉमेडी बनती है ना, जब भी राजपाल जी और ये दबंग आती है हमारी तो उसमें तो कॉमेडी का, इसके लिए हमने बोलिया। आई थिंक सारे कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं कि सर जो प्ले कर रहे हैं, सर को मोहब्बत हो जाती है एक रेडियो जॉकी से, सो दैट कम्स आउट एज अ कॉमिक टाइमिंग। एंड ऑल्सो शक्ति जी वॉज इन लव विद अ बार डांसर, तो सबका बहुत ऑड ट्यूनिंग है, दैट्स द फ्लेवर ऑफ द मूवी। Thank you.